हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश तृप्ति राकेश। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल को पे अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का ब्लॉग पार्ट 3 एंड ये आई थिंक लास्ट ब्लॉग होगा मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो इस ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो 5th मंथ के बाद यानी 6th मंथ टू 9th मंथ में मेरे साथ क्या क्या हुआ था एंड किस तरीके से हमने हैंडल किया था। सभी को बताया था 5th मंथ तक मेरे को इंजेक्शंस लगे, मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला टाइम था कि सब अच्छा हो, माता रानी सब अच्छा हो, अच्छा अच्छा बस अच्छे से टाइम निकल जाए। तो जो 5th मंथ के बाद है यानी 6th मंथ में जब मैंने एंटर किया तो उस टाइम मेरे को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मेरे पानी मतलब एमनियोटिक फ्लूड का लेवल भी अच्छा था, मेरे बेबी का हेल्थ भी अच्छा था, वेट भी अच्छा था एंड मेरे को इंजेक्शंस लगने भी बंद हो गए थे, मेरी वॉमिटिंग भी ख़त्म हो गई थी और जो मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट में थी मैं वहाँ से भी मेरे को छुटकारा मिल चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि अब ज़्यादा रेस्ट करने की मतलब रेस्ट करना है बट ये नहीं है कि मैं पूरे टाइम लेटे रहूँ, थोड़ा बहुत मैं काम कर सकती हूँ, मतलब किचन का काम कर सकती हूँ, ऊपर नीचे वैसे भी सीढ़ियों पर मेरे को चढ़ना नहीं था, झुक कर काम नहीं करना था, कुछ वेट का उठाना नहीं था, कपड़े वगैरह ज़्यादा ये सब धोने वोने नहीं थे, ये सब चीज़ों से छुटकारा मतलब जो भी मेरे को टेंशन वाली चीज़ें थी उन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल चुका था और अब मैं एक तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कर सकती थी। तो उसमें और शायद इस वजह से भी काफ़ी जल्दी मतलब सब कुछ अच्छे से टाइम से ठीक होता चला गया बिकॉज मैंने प्रिकॉशंस लिए, मैंने पानी में को एमनियोटिक फ्लूड जब लेवल कम हुआ था उसका तो मैंने पानी पीना ढेर सारा पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं खाने में भी सुबह सुबह नहा वहा कर मतलब 5 बजे 5:30 के करीब मैं नहा वहा कर पूजा वूजा करके मैं साबूदाना खाती थी या फिर साबूदाने की खीर नहीं तो साबूदाने की खिचड़ी या फिर उपमा मतलब कुछ भी मैं सुबह सुबह खा लेती थी ताकि मैं खाली पेट ना रहूँ, मेरे को गैस की प्रॉब्लम ना हो और मतलब सब कुछ अच्छे से हो बिकॉज फिर ना बहुत हेक्टिक हो जाता था, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और फिर दूध तो मैं सुबह शाम मेरे को डॉक्टर ने बोला था लेने के लिए प्रोटीन पाउडर के साथ में वो लेना था, फिर हरी सब्जियां वगैरह और नॉनवेज तो मेरे को पसंद ही नहीं आता, प्री प्रेगनेंसी मैंने नॉनवेज खाना ही बंद कर दिया था, मतलब मेरा मन ही हट गया था नॉनवेज से, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था नॉनवेज, मेरे को साग पसंद आने लगा जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं पालक का साग मतलब मैं सोच रही थी कोई लेके आए पालक का साग ताकि मैं पालक का साग खाऊं या फिर मतलब तोरी खाऊं लौकी खाऊं, ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद आने लगी थी। उसके बाद सब अच्छा अच्छा हुआ एंड मैं 6th मंथ भी अच्छे से निकल गया। फिर मैंने 7th मंथ में जब एंटर किया तो हाँ मेरे को याद है मतलब उस टाइम से ना मेरे को थोड़े बहुत पेन्स होना स्टार्ट हो गए थे, मेरे को मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए पेन स्टार्ट होता और फिर मतलब पेन अपने आप से गायब हो जाता एंड कभी कभी ना मेरा टमी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता, मतलब ऐसा लगता ना किसी ने ईंट पत्थर रख दो इतना टाइट हो जाता था। आई थिंक वो ज़्यादा मैंने जब डॉक्टर से पूछा था उन्होंने बोला कि कोई भी काम तुम लगातार अगर जैसे ज़्यादा देर खड़ी हो तो वो चीज़ हो जाएगा उस मतलब उस चीज़ से या फिर ज़्यादा देर बैठने से मतलब लगातार ज़्यादा देर लेटने से ऐसे ही वो होता था, मतलब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो मतलब कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता था और कभी कभी नॉर्मल हो जाता था, जब मतलब टाइट होता तो लगता मेरा पेट अभी का अभी फट जाएगा, मतलब बहुत अजीब सा टाइट होता मतलब लगता सब कुछ भारी भारी है। और जैसे जैसे बेबी बढ़ रहा था तो मेरे को कभी कभी लगता था कोई चुभ रहा है, एक तो इतना ज़्यादा किक करता था ना बाबू पेट में कि मैं क्या बताऊँ, मतलब वो रात के टाइम में इतना ज़्यादा किक करता ना कि मेरे को नींद नहीं आती, दिन में भी तो करते रहता था, मेरे को कभी कभी डाउट भी लगता था, मतलब डाउट क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसा बोलते हैं मिथ है एक तरीके का कि जो बच्चा मतलब बेबी गर्ल होती है तो पेट में ज़्यादा किक करती है, बट मेरे को भी वही लगा था कि शायद ना मेरे को लड़की होगी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी थी कि शायद ना हमें बेबी गर्ल होगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा किक करता है, तो बट बाद में पता चला कि ये तो लड़का निकला, बट ये सब कुछ ऐसा होता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि मेरे केस में जो भी चीज़ें मुझे हुई जो भी सिम्टम्स मेरे को आए वो मोस्टली लगता था कि ये लड़कियों वाले सिम्टम है बट मेरे को हुआ लड़का, बट बहुत सारे लोग बोलते भी थे तुम्हें ना लड़की होगी, तुम्हारा ऐसा है ना तुम्हें लड़की होगी। मैं ना उस टॉपिक पे भी एक न्यू ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें आप लोग देख सकेंगे कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे और कैसे मैं गेस करती थी जो कि गलत निकला, तो मैं वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके,
उसके बाद मेरे को याद है 7 मंथ में मेरे को एक बार इतनी ज़्यादा मतलब शाम के टाइम से पेन स्टार्ट हुआ अचानक से, और वो इतना ज़्यादा पेन था कि मतलब कंट्रोल के बाहर था। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, मम्मी जी को बोला, मम्मी जी ने मेरी मतलब पीपे मालिश वगैरह भी किया, बट वो दर्द सबको लगा कि गैस की वजह से हो रहा है, शायद वो गैस की वजह से हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम थी नहीं पता चला। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं पूरी रात दर्द में रही। फिर नेक्स्ट डे जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसे पेन होते हैं तो मैं ज़्यादा हो तो अजवाइन को खिलाकर अजवाइन का पानी पी लेना या हींग खा लेना, और पेन किलर तो दूंगी नहीं बिकॉज बेबी को इफ़ेक्ट होगा, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम होगा पेन किलर से, इसलिए उन्होंने पेन किलर नहीं दिया मेरे को, और अजवाइन वगैरह खाने को, और आई थिंक एक मेडिसिन दी थी, पता नहीं किस चीज़ की मेडिसिन थी, वो खाने को दी। बाकी सब कुछ नॉर्मल चला। 8 मंथ भी ऐसे ही निकल गया, 9 मंथ भी ऐसे निकल गया, मतलब सब अच्छा चला। बस वही मेरे को थोड़े बहुत पेन होते, कभी कभी पेट स्टार्ट होता, मतलब 5 मिनट के लिए पेन ऐसे होता जैसे बर्दाश्त के बाहर है, और अचानक से मेरा वो पेन ख़त्म हो जाता, मतलब ऐसे ही हमेशा होते रहता था। उसके बाद मैंने 9 मंथ में एंटर किया था 18 नवंबर को, सॉरी 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर से मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, और मेरी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी 18 नवंबर। तो उसके बाद जो मेरे को ना मतलब 4 को दिवाली थी, तो दिवाली पे मेरे हस्बैंड आए, वो गांव पे थे बिकॉज उस टाइम मेरे हस्बैंड उनको काम था तो इसलिए वो वहीं थे। लेकिन फिर वो दिवाली वाले दिन जब आए तो हमें ना चेकअप के लिए जाना ही था, डॉक्टर ने बुलाया था 1 हफ्ते में, बट हम लोग गए नहीं थे, हमने सोचा थोड़े दिन बाद जाएंगे। तो फिर मैंने बोला इनको 5 को कि हम लोग ना डॉक्टर को चलते एक बार दिखा लेते, डॉक्टर ने बुलाया ही है, अगर सब अच्छा है तो अच्छा हुआ, और बाकी कुछ मतलब जैसे कुछ भी आगे का कुछ भी वो बताएंगी, कब आना है, कैसे होना है, या डिलीवरी डेट वगैरह, मतलब कुछ भी, बिकॉज डेट तो पास आ गई थी। तो फिर हम लोग ना 5 तारीख को शाम में गए डॉक्टर के पास, तो उस टाइम ना मेरा बीपी थोड़ा हाई हो गया था, मतलब थोड़ा क्या, तो डॉक्टर के हिसाब से वो हाई था, मतलब हाई था ही। तो फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रही कि तुम्हारा बेबी तो रेडी है एंड बीपी भी तुम्हारा हाई है, तुम ना एडमिट हो जाओ, अभी एडमिट हो जाओ। हम लोग ना, मैंने बोला बट मेरे को पेन वगैरह तो है नहीं, उन्होंने बोला कि मैं ना पेन इंड्यूस करूँगी, उसके बाद हम लोग डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पूछा अभी होना होगा या थोड़ा मतलब टाइम ले सकते 1-2 दिन बाद या फिर ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला कि तुम अभी हो जाओ तो अच्छा, बिकॉज तुम्हारी बीपी भी आई है तो उससे बेबी को भी हार्म हो सकता है और तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमने बोला ठीक है हम कल आते हैं। तो हम लोग 6 को, यानी भाई दूज था 6 नवंबर को, तो हम लोग 6 को सुबह सुबह मतलब मैं एडमिट हुई। उसके बाद मेरे को पेन इंड्यूस करने के लिए इंजेक्शंस लगाए, स्लाइन वगैरह चढ़ाया, और धीरे धीरे करते मतलब 11-12 बजे से प्रोसेस सब स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करते करते मैं पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, पेन इतना ज़्यादा था कि वो क्या बोलते हैं, वो बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द था। मतलब सब देख के बोल रहे थे इतना ज़्यादा पेन नहीं वो मतलब दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरे बेबी को भी प्रॉब्लम हुई, उसकी स्ट्रेसफुल डिलीवरी हुई। एंड जाके मेरी 8:30 में, 8:29 पर मेरा बाबू हुआ, एंड बाबू को भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए बिकॉज इतना ज़्यादा पेन उन्होंने इंड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से इसको भी प्रॉब्लम हुआ और फिर डिलीवरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो रात में जाके 8:29 पे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरे सिजेरियन नहीं हुआ है, मुझे नॉर्मल हुआ है, मेरा बाबू जो हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी इतना ज़्यादा वाला दर्द, और ना कभी वो दोबारा, मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो दोबारा दर्द, मतलब वो दर्द बर्दाश्त से बाहर, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि इससे अच्छा तो मैं सिजेरियन ही करवा लेती, इतना पेन तो नहीं होता, बिकॉज बाद में भी जो स्टिचेस का पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पता नहीं मेरे में ऐसा हो, दूसरों के साथ कुछ ऐसा ना हो, बट मेरे लिए मतलब जो वो टाइम था ना बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मतलब देख तो डिलीवरी में उतना पेन, उसके बाद 15-20 दिन जो स्टिचेस का पेन था वो भी बहुत खतरनाक वाला था। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ ना कुछ बोल रही हूँ ऐसा, बट मेरे हिसाब से वो बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई, मुझे पता चला, फिर मैंने मतलब मैं ना मेरे को बाद में ना उन्होंने बेहोशी का वो इंजेक्शन वगैरह दिया स्टिचेस वगैरह के लिए, तो मैं नींद में ही थी, मतलब मेरे को लगा ना मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई, मैं उसी में से कभी बीच बीच में मेरे को थोड़ा सा होश आ रहा था, तो मैंने पूछा मेरे को क्या हुआ है कोई बताए, तो उन्होंने बोला तुम्हें लड़का हुआ है।
उसके बाद फिर मैं मेरे को मम्मी जी और मम्मी मिलने आए, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। और उसके बाद फिर मैंने बोला मेरे को हस्बैंड को बुला दीजिए प्लीज़, मेरे को उनसे एक बार, मतलब मेरे को ये लग रहा था ना कि कोई मेरे को बता दे मेरा बाबू ठीक है कि नहीं, बिकॉज़ मैंने ना कुछ पीछे से आवाज़ें सुनी थी कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया है एंड कुछ ऐसा वैसा, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी हड़बड़ी की आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से ना मेरे को लग रहा था कि सब मेरे को झूठ बोल रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे को ना मेरे हस्बैंड को एक बार बुला दो ताकि मैं उनसे पूछ लूँ, मतलब मेरे को बेहोशी में भी ये लग रहा था बस मेरे हस्बैंड को एक बार बुला दो। फिर उन लोगों ने शायद बुलाया भी, मैं इतनी ज़्यादा नशे, मतलब वो इंजेक्शन का असर था ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैं मतलब लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं चली गई हूँ, मैं कितनी लंबी नींद में हूँ एंड काफ़ी गहरी नींद में हूँ, ऐसा मेरे को फील आ रहा था। और फिर ऐसे करके मुझे एक दो घंटे के बाद रूम में ले जाया गया। और मेरा बेबी, मतलब मैं बाबू को 3 डेज तक NICU में एडमिट किया। एंड आगे की स्टोरी मैं बताऊंगी किसी और ब्लॉग में, यानी कभी और। तो ये थी मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी की जर्नी, मतलब शुरू से लेके बेबी होने तक का। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से शेयर करें ताकि आगे भी लोगों को मिले एंड वो भी जाने एंड जिनको जो ये फेज से गुजर रहे उनको भी हेल्प हो सके। एंड लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक भी करें, आप लोग को व्यूज़ तो आते हैं बट आप लाइक करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में न्यू डे के साथ। और मैं शॉर्ट्स अपडेट करती रहूँगी मेरे बाबू के साथ, एंड मेरी गोदी में भी बाबू है इसलिए कैमरा भी कभी मतलब काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा है। कल उसको इंजेक्शन्स लगे हैं जिसकी वजह से उसको फीवर है, तो वो नीचे सो नहीं रहा है, वो गोदी में ही है, तो इस वजह से कैमरा भी काफ़ी शेक कर रहा है एंड ठीक से आई थिंक कैप्चर भी नहीं हो पा रहा हो, तो इसके लिए सॉरी। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, इसलिए बाय बाय, टेक केयर।